आए थे लूटने, जान बचाकर भागना पड़ा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकानदार ने लुटेरों पर की फायरिंग। कलायत में लुटेरों व दुकानदार के बीच हुई फायरिंग। कलायत के रेलवे रोड पर कन्या स्कूल के निकट रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाने वाले दुकानदार को लूटने आए बदमाशों को उल्टे पांव और खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि जिस दुकानदार को लूटने के लिए लुटेरे पिस्तौल लेकर आए थे, उन लुटेरों को शायद यह नहीं पता था कि दुकानदार उनके ऊपर ही रिवॉल्वर से फायर कर देगा। दुकानदार द्वारा लुटेरों पर किए गए जवाबी फायर से लुटेरे भाग खड़े हुए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। जानकारी अनुसार दो लुटेरे दुकान के अंदर घुसे। दोनों युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। एक युवक बुलेट पर बाहर खड़ा था। दुकानदार शेखर शर्मा युवकों के इरादे भांप गया था। जैसे ही लुटेरों ने लूटने के इरादे से फायरिंग की तो दुकानदार ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से लुटेरों पर जवाबी हमला करने के लिए एक के बाद एक 6 फायर कर दिए। इसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। फायरिंग की सूचना मिलते ही कलायत थाना प्रभारी, डीएसपी हेडक्वार्टर कुलवंत व डीएसपी रविंद्र सांगवाड़ सीआईए की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की गई। गौरतलब है कि एक साल पहले भी इसी दुकानदार से 15 लाख रुपए की फिरौती बीनी गैंग द्वारा मांगी गई थी और फिरौती नहीं देने पर फायरिंग भी की गई थी। इसके बाद पुलिस ने बीनी सहित उसकी गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। बीनी इस समय भी जेल में है। ये आगे बता मैं कड़े पूछे तो दुकान में निकले देखिए पूछे तो लकड़ी ने तो कल मैं तो पूछे तो ना कल मैं तो ये मतलब तो बड़ा केंद्र सर मैं कभी नहीं जाना देखिए इतना उड़ने को चला दे शुरू कर दीजिए गेट पे पड़ के चला इतना मन देख लिया मामला ऐसा था, मैं दुकान बैठा था, 11:15 टाइम था, नॉर्मल कस्टमर रूटीन था। दो लड़के बाहर से आए, उन्होंने फेस मास्क पूरा कवर किया हुआ था। मैं उनको पहले जान था कि मैं अक्सर दुकान को बोलता हूँ ग्राहक को मैं अपना फेस मास्क नीचे उतार गो तभी दुकान के अंदर आओ। वो लोग इस आने से पहले ही उन्होंने गेट पर आते ही फायर शुरू कर दिए। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर मैगजीन था। तो मैं सामने बैठा था, मेरी करीब 50 फीट की दूरी थी। मैं जस्ट उन पे आया, मैंने वापस फायर करते उन पे आया तो उन्होंने वो लोग मेरे फायर से डर के कारण दौड़ के चले गए। मैं उसके पीछे भी उनके दौड़ता रहा। उनके में कितने फायरिंग हुए शेखर जी उनकी तरफ से? लगभग 5-6 फायरिंग उनके तरफ से हुए हैं जो हमने खोल मिले हैं। बाकी काउंटिंग तो करना असंभव है इन चीज़ों को। तो पहले भी आपके द्वारा मामला दर्ज करा, क्या मामला था पहले? सर वो तो मामला था कि फिरौती मांगी गई थी। उन बातों को करीब 1-1.5 साल हो चुका है, उन चीज़ों को भूल चुका था मैं, इसी कोई मैटर नहीं था। तो गनमैन को जा सकता? नहीं सर, मैं ऐसा है किसी गलत को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं नहीं बोलता कि वो लोग होंगे, शायद कोई और हो। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कि वो कौन है। गनमैन भी प्रोवाइड करवाई गई है, सिक्योरिटी का कितना आपको सुरक्षा के लिहाज से फायदा मिल पाया आज? देखो ऐसा है, सिक्योरिटी का ऐसा है कि कई बार आदमी हम बॉर्डर पर नहीं है, हर टाइम एक्टिव हों, कई आदमी एक्टिव नहीं हो पाता, इस वजह से शायद उसका है वो लोग फायर ना कर सके हों। तो क्या लगता है क्या कोई पुराना रंजिशन मामला था या कोई लूटपाट के इरादे से वो यहाँ पहुँचे थे? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पुलिस तफ्तीश करे। गोलियां चलाने वाले ने कुछ कहा है, कोई पर्ची फेंकी है? कुछ नहीं फेंका ना, कोई पर्ची फेंकी, उन्होंने तो गोली फेंकी है, उनका विरोध में मैंने गोली फेंकी। कुछ दिन पहले कोई फोन वगैरह आपके पास? मेरे पास जानकारी आप 1-1.5 साल से मेरे पास कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है, कोई मेरे से किसी बात नहीं हुई है। मैं तो अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा हूँ।
उसके बाद फिर आपने क्या कहा जब गोलियां जब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद आपने क्या किया, क्या पुलिस को सूचना दी? मैंने 112 पे कोशिश की, 112 में लगभग 2-3 मिनट में कॉल मिला और 20-25 मिनट बाद वो पता नहीं आए नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट से मेरे पास जरूर आ गए। डायल 112 को कितनी बार आपने कॉल की? मैंने 3-4 बार कॉल की। तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई? बातचीत हुई है, वो लोग घुमा के पूछते रहे कि बाइक का नंबर क्या था, आप क्या कर रहे थे, क्या था, लेकिन उन्होंने जैसा कि इंसिडेंट था उसको उस वे में नहीं लिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर क्या, जो SHO है वो मौके पर पहुंचे, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, DSP मौके पर पहुंची? हाँ, वो सब प्रशासन मौके पर आया है, लेकिन मैंने पता कॉल किसने किया मुझे नहीं पता इसके बारे में, प्रशासन मौके पर आया। तो पुलिस द्वारा आश्वासन क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, पुलिस ने बोला कि आप पर्चा दर्ज कराओ, उसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। CCTV फुटेज में किसी तरह की पहचान हो पाई हो? नहीं सर, किसी भी तरीके की कोई पहचान नहीं हो पाई। CCTV तो लगा हुआ आपके यहाँ? हाँ सर, मेरी दुकान फुटेज आ चुकी है। जी आ चुकी है। चलो एक बार वो भी दिखा दें ताकि आम जन भी अगर कोई पहचान पाए तो उन्हें पहचान। सर, दूसरी बार यहाँ फायरिंग हुई है और हालात इस कदर गंभीर हुए कि जो शोरूम संचालक हैं उनको आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी, तो ये क्या मामला है? ये फायरिंग की सूचना हमारे पास आई थी, SHO कलैत भी, CIA 1-2 भी, मैं भी, डिप्टी हेडक्वार्टर भी, SP साहब ने पूरी टीम यहाँ 4 टीमें लगा दी हैं और हम इसको जल्दी से ट्रेस कर लेंगे। 2 बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे, वो फायरिंग करके निकल गए और इसने शेखर ने बहुत बहुत बहादुरी का काम किया, इसने उनके ऊपर भी फायरिंग करी है, फिर वो अपनी जान की रक्षा करते हुए भाग के निकल गए और हम इसको जल्दी ट्रेस कर लेंगे। कितनी गोलियाँ चली और क्यों? गोलियों का तो नहीं कहा जा सकता, हमने 5-6 तो खोल उनके बरामद कर लिए और 5-6 गोली इनने शेखर ने चलाई थी और अभी देख रहे हैं, सारी फुटेज लेंगे आसपास की, वो मोटरसाइकिल पाए थे जब भी कुछ कहा जा सकता। कितने आदमी थे? अभी 2 आदमी थे, मुंह पे वो उसमें पूरा अपना मुंह कवर कर रखा था उन्होंने और अभी सीनो की ट्राइम बुला लिए, हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस कर लें। 112 नंबर पर भी जो दुकानदार है उनके द्वारा कॉल आया, तो ये तो चूक समय चूक तो नहीं? कोई बात नहीं, हम ये भी देख लेंगे कितने बजे 112 नंबर पे कॉल हुई है और इसकी अब हम परमानेंट यहाँ पे पुलिस भी मतलब गश्त भी बढ़ा देंगे और इसको गनमैन ने ऑलरेडी दे भी रखा है और आगे भी गनमैन की और जरूरत पड़ेगी तो साहब से बात। हमलावर हैं वो भाग गए हैं तो उनको दबोचा जा सके, क्या नाकेबंदी की गई? इसके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट में और अदर की जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में मैसेज करा दिया, आगे मोटरसाइकिल और वो नाकाबंदी कर ली गई है और इसके अलावा सारी टीम में CIA के इंस्पेक्टर तो इधर आए, उनकी टीम लग रही है और जल्दी से जल्दी हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। क्या मांग, रंजिशन है या कोई फिरौती मांगी गई है? अभी जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लेंगे क्योंकि इसके पास, इसने 16 फरवरी को पहले ही पर्चा दर्ज करा रखा है फिरौती वगैरह का और इसको जब भी गनमैन प्रोवाइड भी किया था, तो अब उसको जब से हम ट्रेस कर लेंगे जब सारा कोल गएगा, तो पर्चा तो इसने पहले करा ही रखा है, उनकी धीरे धीरे एविडेंस वगैरह वो भी स्टार्ट होनी है। सर, काफ़ी बार ये मामले हो चुके हैं कलायत में, लगातार ही देखे जा रहे हैं, कई वारदातों को अंजाम ऐसे बदमाश दे चुके हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी जो कलायत में मर्डर हुआ था राणा का, वो राजौंद में आया था, उसके बाद भी हमने पूरे गैंग को, आज वो गैंग जो बिन्नी गैंग था उनको अंदर कर रखा है और उसको हमने ट्रेस किया था और आगे भी हम ट्रेस करेंगे। क्या शंका जताई गई, कौन से गैंग के? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नहीं उनको हम ट्रेस कर लेते। थैंक यू धन्यवाद।